हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरिंग आइडियाज़ फॉर यू। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, देखिए बहुत ही कलरफुल वूलन से बना हुआ, वेस्ट वूलन से बना हुआ वॉल हैंगिंग, और इसे मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको आप एकदम लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि टू कलर्स का यूज़ करके बिग पॉम पॉम कैसे बनाते हैं और इन सबको कैसे अटैच किया है साथ में। और इसकी ब्रांच को देखिए ज़रा कितनी फ्लेक्सिबल है, आप इसको जैसे भी चाहें मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको आपको ऊपर के साइड करना है या नीचे के साइड करना है। तो देखिए, ये हमारा पॉम पॉम है, मैंने एक बना के रखा है, और इससे थोड़ा बिग साइज़ का मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने वेस्ट वूलन का यहाँ पे यूज़ किया है, वेस्ट मींस ओल्ड वूलन का। सबसे पहले पॉम पॉम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, मींस जो कैंडल का बॉक्स होता है मैंने उसका यूज़ किया है। आप नॉर्मल कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं और कुछ पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अगर पेपर का यूज़ करें तो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, कार्डबोर्ड का यूज़ करें तो ज़्यादा हार्ड ना हो, बस ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बस इसको नॉर्मल हम रैप करेंगे। रैप हम करने के लिए थोड़ा स्पेस इसका ज़्यादा लेंगे, ताकि जो हमारा पॉम पॉम बने वो काफ़ी अच्छा बड़ा सा मोटा सा बने। अब देखिए, जो ब्लू वाला है इसको हम कट कर देंगे, उसके बाद येलो वाले को थोड़ा सा साइड में रैप कर रहे हैं। बस बहुत ईजली बन जाता है रैप करने के बाद। देखिए, एक बार ये वाला रैप हो गया, इसके बाद इसको भी कट कर देंगे। कट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाद में सबको हम बीच से ज्वाइन करेंगे, और जब एक बार बीच से बांध देंगे तो हमको बाद में तो कट करना ही है इनको सबको साइड से। देखिए, पूरा इसको कवर कर देंगे कि दिखाई ना दे कि हमने अंदर कोई दूसरे कलर का यूज़ किया है, इससे हमारा पॉम पॉम अच्छा बनेगा। उसके बाद जितना जितनी थिकनेस वहाँ पे आ गई होगी, उतना ही हम पूरा इवन कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा वूल ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि जब ज़्यादा वूल लगेगा तभी हमारा पॉम पॉम अच्छा बन पाएगा। अब देखिए, एक बार हमने लेफ्ट की साइड में रैप किया था, इस बार राइट की साइड में लेफ्ट रैप कर रहे हैं। अब फिर से इसको पूरा कवर कर देंगे। और जब इसको कवर करेंगे तो देखिए, इसका जो बीच का स्पेस है उसको भी इवन करना है, ऐसा ना हो कि दोनों साइड से ऊपर ऊपर हो जाए, मीन्स अच्छे से हम रैप कर दें और बीच में दब जाए और वहाँ पे वूल हो ही ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और पॉम पॉम भी हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए बीच से भी पहले इवन कर देंगे, उसके बाद देखिए इसको भी पूरा कवर कर दिया है। अब छोटा सा थ्रेड कट करेंगे और एक क्रोशिए की हेल्प लेंगे। देखिए, यहाँ एक क्रोशिया लिया है। अब क्रोशिए को सारे थ्रेड्स के नीचे से पास करेंगे दूसरे साइड, और इसको थोड़ा सा दबा देंगे कार्डबोर्ड को बीच में से, ताकि थोड़ा सा स्पेस अच्छा बन जाए, जिससे हमारा जो थ्रेड है क्रोशिए में फंस के ईजली बाहर आ जाए। अदरवाइज़ अगर हम नहीं दबाएंगे तो बार बार ये जो थ्रेड्स हैं यही फंसते रहेंगे और हमारा थ्रेड निकल नहीं पाएगा दूसरे साइड में। दबा देंगे तो बहुत ईजली आ जाएगा। तो बस देखिए, अब हम नॉर्मल नॉट लगाएंगे इसमें। पॉम पॉम बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। टू टाइम्स नॉट लगा देंगे, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बहुत टाइट करके लगाना है नॉट, ताकि सब एक साथ बन जाए। इसके बाद देखिए, इसके अपोजिट साइड में भी बांधने के लिए इसको सेंटर से हम एक थ्रेड और लेंगे, लेकिन इस बार हम डबल थ्रेड का यूज़ करेंगे। देखिए, इसको फिर से हम दूसरी साइड में बीच से दबा दे रहे हैं, ताकि हमारा क्रोशिया ईजली इसके अंदर पास हो जाए और थ्रेड भी ईजली निकल आए वापस। ये देखिए कितना ईजली गया। अब हम जब यहाँ पे थ्रेड लगाएंगे तो बहुत ईजली आ जाएगा, ये देखिए पास हो गया। अब बस इसको फिर से हम सेम नॉट लगाएंगे, लेकिन इस बार ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये नॉट एकदम सेंटर में आए, जैसे कि पीछे हमने लगाई है।
तो एक बार पीछे से देख लीजिएगा कि ये सेंटर में आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आनी चाहिए। देखिए थोड़ी सी साइड में थी तो उसे बीच में कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए आगे निकाल ले रहे हैं ताकि अच्छे से इसमें नॉट बन जाए और सारे थ्रेड्स टाइटली इसमें हमारे बन जाए। अब टू नॉट्स लगा रहे हैं इसमें। उसके बाद देखिए इसको बोर्ड कार्डबोर्ड निकाल दिया है हमने। एक नॉट लगाएंगे, जो हमने आगे पीछे अभी नॉट लगाई थी उन दोनों नॉट के बीच में से थ्रेड को पास करेंगे देखिए, और फिर से एक नॉट लगाएंगे और बहुत टाइट इस बार कर लेंगे। देखिए कार्डबोर्ड पीस से निकल गया है तो जितना टाइट हो सकेगा हम उतना टाइट करके नॉट को लगाएंगे। जितना टाइट करेंगे उतना अच्छा होगा, टाइट करने से हमारे जो थ्रेड्स हैं वो बाद में निकलेंगे नहीं। अदरवाइज़ अगर ये ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा तो बाद में बनाते समय इसमें से बीच से थ्रेड निकलने भी लगेंगे और अच्छा भी नहीं बनेगा। देखिए अब इसको साइड साइड से हम कट कर लेंगे बस। जैसे जैसे कट करते जाएंगे तो देखिएगा इसमें बीच में हम लोग ने जो दूसरा वूल यूज़ किया था वो भी दिखेगा। देखा वो भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही बीच में आएगा ये पॉम्पम में तो बहुत अच्छा लगता है लुकवाइज। ऐसे ही धीमे धीमे करते हुए कट करेंगे और गलती से भी बीच वाले थ्रेड को कट मत करिएगा जो आपने बांधा है, अदरवाइज पूरा खुल जाएगा। आराम आराम से इसको कट करिएगा एकदम सेंटर से। ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड भी कर लेंगे जैसे हमने इधर करा है। देखिए अब दोनों साइड से हमारा कट हो गया है। अब इसको हम सर्कल की शेप देंगे। शेप देने के लिए सबसे पहले देखिए इसको हम साइड से जितना भी एक्स्ट्रा हमारा वूल है उसको हम कट कर देंगे। ऐसे हमें शेप देना है कि कोई भी वूल हमें एक्स्ट्रा ना दिखे ऊपर की तरफ निकलता हुआ। तो पहले तो हम इसको गोल गोल शेप दे देंगे, उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ काटेंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ज़्यादा ज़्यादा हमें नहीं काटना, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा कट करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में भी थोड़े थोड़े वूल को हम कट करेंगे। देखिए यहाँ हो गया, अब यहाँ पर भी हम थोड़े थोड़े वूल को कट करेंगे। ऐसे धीमे धीमे अपनी शेप में आ जाएगा एकदम। इसके बाद इसको देखिए बीच से पूरा खोल दिया है। अब खोलने के बाद फिर हम सेम वही करेंगे, पहले एक सर्कल की शेप देंगे। देखिए इसे गोल गोल कट कर लिया, उसके बाद अब ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा कट करेंगे जो वूल हमें एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे। इसके बाद हम नीचे के साइड से फिर से इसको कट करेंगे। ऐसे धीमे धीमे हमारा पॉम पॉम रेडी। तो बस देखिए एक बार इसको ऐसे कर लेंगे हाथ से तो जितने भी एक्स्ट्रा ऊपर निकले होंगे या जो इवन नहीं कट हुए होंगे वो ऊपर दिखने लगेंगे। उसको फिर से हम थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे आप, मैं कितना थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। हमारा पॉम पॉम रेडी हो गया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा और बनाया हुआ है। तो देखिए मैंने टू कलर से फोर बनाए हैं और छोटे छोटे मैंने सिक्स बनाए हैं। छोटे बनाने के लिए देखिए हमने फोक का यूज़ किया था। फोक के ऊपर करने के बाद में रैप और इसको बीच से निकालने के बाद बांध दिया, उसके बाद राइट साइड से कट कर दिया बस। तो देखिए ये हमारा बड़ा वाला सबसे पॉम पॉम है और अब हम इसके आगे का प्रोसीजर करते हैं। देखिए प्रोसीजर के लिए देखिए यहाँ मैं वायर्स का यूज़ कर रही हूँ जो फ्लावर बनाने के लिए यूज़ होती हैं, और यहाँ छोटी छोटी कॉर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ये कॉर्ड्स मेरी जब मैंने प्लांट हैंगर्स बनाए थे तो उसमें बच गई थी, और ये वूलन का यूज़ करूँगी। देख रहे हैं आप कितना रफ वूलन लग रहा है, बट इसका वॉल हैंगिंग आप दिख रहा है आपने कितना सुंदर बना है। तो बस ऐसे ही आप किसी भी तरह वूलन का यूज़ कर सकते हैं, जो वेस्ट हो घर में, अदरवाइज न्यू हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस देखिए अब आगे देखिए एक वायर ली मैंने और इसको पॉम पॉम के बीच में से पास किया और दूसरे साइड से निकाल के
इसको सेंटर से एकदम इवन करने के बाद में इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। और मैंने आपको सबसे बड़ा वाला पॉम पॉम बनाना बताया था, तो उसके जो उससे छोटे साइज़ के जो मैंने बनाए हैं उसको बनाने के लिए बस जो कार्डबोर्ड मैंने जितना चौड़ा रखा था उससे अगर आप कम चौड़ा करेंगे तो उससे छोटा बन जाएगा। बस उसकी चौड़ाई थोड़ी कम करनी होगी और उसको थोड़ा रैप थोड़ा कम दूर तक करना होगा। बस इस अकॉर्डिंग आप उसका साइज़ भी पॉम पॉम का कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस देखिए, इसके बाद ये भी कॉट का यूज़ किया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर सबसे पहले हम रैप करने के लिए एक नॉट बनाएंगे ताकि ये खुले ना। नॉट टाइटली लगाएंगे, उसके बाद कॉट को थोड़ा सा ऊपर की साइड में खिसका देंगे ताकि ऐसा लुक आए कि फ्लावर के नीचे जो ब्रांचेस हैं वो एकदम इससे अटैच लगे, रियल लगे थोड़ा। तो इसलिए उसको ऊपर के साइड खिसकाएंगे जितना पॉसिबल होगा। उसके बाद हम इस पर रैप करेंगे, और रैप करते समय हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब हम इसको एकदम पास से रैप करेंगे तो इसके बीच में जो वूल्स हैं इसके पॉम पॉम के वो फंस सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि जो वूल्स हैं उसके वो उसके अंदर ना फंसें। बहुत आराम आराम से करेंगे, और ऊपर का पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा थिक रखेंगे। फिर धीमे धीमे जैसे नीचे आता जाएगा उसको थोड़ा सा पतला करते जाएंगे। तो जैसे आपने ध्यान दिया होगा फ्लावर्स के नीचे थोड़ा सा ऐसे शेप होता है, पहले थिक होता है फिर नीचे थोड़ा सा थिन होता जाता है, तो देखिए वैसे ही थोड़ा शेप देने की कोशिश की है। बस रैप करते करते ये देखिए आप, हमारी शेप बन गई है ऐसे। और जब हम पास से करेंगे ना तो ऊपर का पॉम पॉम हिलेगा भी नहीं बिल्कुल, और अभी हमने बहुत उसको रफली पकड़ा था इसलिए थोड़े से थ्रेड्स इधर उधर दिख रहे हैं, उसको बाद में कट कर देंगे। और देखिए बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। अब इसको नीचे तक हमने रैप कर दिया है, जब हमारा रैप हो जाएगा पूरा तो उसके बाद देखिए कॉर्ड हमने थ्रेड को कट किया, थ्रेड को कट करने के बाद दूसरे डायरेक्शन में देखे ले गए, और नीचे से अब इस लूप के अंदर से पास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी नॉट लग जाएगी और ये यहाँ से फिर निकलेगा नहीं। बस देखिए ये टाइट हो गया। ऐसे ही हम टू टाइम्स कर देंगे और उसके बाद हमारा ये रेडी। ऐसे ही इस ब्रांच को आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अब देखिए इसमें हमने जो वायर लगाई थी उसके वजह से कितना इजीली देखिए मूव होगा, जिधर भी आप चाहेंगे उधर ही से फोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और उधर ही ये हिलेगा नहीं, फिर जिधर की तरफ साइड आप घुमाएंगे उधर ही की साइड हो जाएगा। ऐसे ही मैंने जो फोर थे पॉम पॉम टू कलर्स वाले सबको रैप कर लिया है, और इसके नीचे मैंने देखिए जूट रोप का यूज़ किया है, और फिर इसके नीचे आप देखिए मैंने वही कॉट का यूज़ किया है जो पहले की थी। तो ऐसे ही मैंने अपने फोर रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इन सब का बंच बना के आप केवल इनको बंच बना के किसी वास में भी डाल सकते हैं तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा। और देखिए छोटे वाले जो पॉम पॉम बनाए थे उनको भी मैंने वायर में रैप किया है, लेकिन इस वायर में मैंने इस बार टू, ये फोर हमारी स्मॉल ली हैं और टू बिग वायर ली हैं। और इसमें देखिए छोटी छोटी पतली पतली कॉर्ड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी वेस्ट कॉर्ड हैं, सब कट बची थी प्लांटर में से, तो उनका यूज़ करेंगे। और देखिए सबको रैप कर लिया है, आप इनको ऐसे भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं किसी भी वास में डाल के, फ्लावर वास में डाल के एज अ डेकोरेशन। अब देखिए इसमें दो जो हैं हमारी छोटी वायर वाली हैं, और ये ब्लू वाली जो है इसमें बड़ी वायर यूज़ की है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन सबको साथ में अटैच कैसे करना है। तो दो छोटी इसलिए ली हैं क्योंकि एक के ऊपर हमें दो को रैप करना है साथ में, इसीलिए एक बड़ी रखी है और दो छोटी रखी हैं। अब देखिए इन दोनों को हमने साथ में बांधा,
और थोड़ा सा रैप करेंगे बस यहाँ पे। फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने कॉर्ड्स का यूज़ किया है उसकी जगह पे आप वूलन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कॉर्ड नहीं है तो। देखिए बस इसको सिंपली हम रैप करेंगे और थोड़ा सा रैप करने के बाद फिर दूसरी जो इसकी ब्रांच है उसको अटैच करेंगे इसमें, ताकि एक थोड़ा रियल लुक आए उसमें। देखिए यहाँ पहले फिक्स कर देंगे इस थ्रेड से। अब दूसरी वाली जो देखिए ब्रांच है उसको भी यहाँ पे लगा देंगे। अब इन तीनों को एक साथ बांध देंगे तो हमारी ये एक ब्रांच बन गई। बस ऐसे ही हम एक दूसरे में अटैच करते हुए औरों को भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे जो हमारे बचे हुए हैं। आप देख रहे होंगे इसमें मैंने टू रेड का यूज़ किया है, टू रेड फ्लावर्स का, और बीच में एक ब्लू का यूज़ किया है। वैसे ही दूसरे बंच जो मैंने बनाया है छोटे वाले का, उसमें टू येलो का यूज़ किया है और एक सेंटर में रेड का यूज़ किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। देखिए कितना ईजिली घूम जा रहा है, जैसे आपका मन करे आप वैसे इसको घुमा सकते हैं। ऐसे देखिए दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है। इसमें देखिए बीच में रेड है, उसमें बीच में ब्लू है। अब मैं बड़े वाले को आपको दिखाती हूँ। बड़े वाले को भी जैसे हमने छोटे वाले को रैप किया साथ में रख के, सेम वैसे ही बड़े वाले दोनों को साथ में पहले, सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे ताकि वो खुले ना, उसके बाद धीमे धीमे करते हुए रैप कर देंगे। और रैप करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ ये बस ध्यान देना है कि ऐसे रैप करें कि बहुत रफली ना लुक आए, थोड़ा इवन लगे वो। एक ही कॉर्ड के जैसे एक ही थ्रेड हमने रैप किया तो उसी के ऊपर दोबारा हम ना रैप करें। अगर हमें उसे थिकनेस देनी है तब रैप करिए, लेकिन वो भी एक इवन लुक लगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए ये भी हमारा रेडी, और इसको भी हम बहुत ईजली देखिए किसी भी साइड में कैसे भी घुमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वायर है, वायर से यही हमें हेल्प है कि हम इसको कैसे भी घुमा सकते हैं। बस इसका जो सेकेंड पेयर है हम उसको भी रैप कर लेंगे ऐसे ही सेम। देखिए हमारे सारे पेयर रेडी। देखिए दो बड़े बनाए हैं और दो छोटे बंच बनाए हैं। अब एक बड़े और एक छोटे बंच को हम साथ में फिर से रैप करेंगे, लेकिन इस बार ब्राउन कलर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए ब्राउन कलर से पहले नॉट लगाई, उसके बाद थोड़ा सा इसको रैप करेंगे, ज़्यादा नहीं रैप करेंगे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे भी करके थोड़ा सा रैप कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये ध्यान दिया है कि जो इसकी ब्रांचेज है वो एक एक अलग अलग जा रही हैं, ये दिखे, जिससे इसमें थोड़ी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी इसकी, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे मैंने बांधा है। अब दूसरी जो ब्रांच हैं उन दोनों को भी हम साथ में बांध देंगे। देखिए यहाँ पर अब ऐसे दो ब्रांचेज हो गई हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ अटैच करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो देखिए ऐसे ही कितने अच्छे लग रहे हैं कि किसी भी फ्लावर वास में हम इसको ऐसे रख सकते हैं एज अ डेकोरेशन। अदरवाइज इन दोनों को भी नीचे बंच बना के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को यू की शेप देंगे और नीचे से अटैच करेंगे, थोड़ा न्यू लुक देंगे ना। अब हमने इसे देखे नीचे से थोड़ा सा घुमा लिया है, पहले से हम ये मेज़र कर लेंगे कि हमको कितनी दूर घुमाना है, उसके अकॉर्डिंग आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लीजिए ये वायर जो है इसकी ऊपर की साइड में जा रही है, जो हम राउंड वाला रैप करना स्टार्ट किया है उसके ऊपर जा रही थी घुमाने के बाद में। तो इनको हमने पहले फोल्ड कर लिया है थोड़ा थोड़ा अंदर के साइड में, फिर से देखिए इनको थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे।
इसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्ड अगर हमारी उधर होगी तो उसको हम कट कर देंगे बाद में। तो देखिए हम ज़्यादा नीचे स्पेस नहीं देंगे, नहीं तो अगर हम ज़्यादा इसको यू का जो कर्व है उसको ज़्यादा बनाएंगे तो थोड़ा खाली खाली पोर्शन बीच में लगेगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसको ज़्यादा घुमाया नहीं है, ज़्यादा मीन्स स्पेस नहीं छोड़ा है। अब छोटे छोटे पीसेस करे हैं, देखिए वूल के छोटे छोटे एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। अब उनसे हम नॉट बनाएंगे। बस ध्यान में यहाँ होगा कि जो हमने ब्राउन कलर से पहले रैप किया था वो दोनों साइड में इवन हो, ऊपर नीचे होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बस वो इवन हो। उसके बाद हम थोड़े थोड़े वूल को देखिए यहाँ कट करेंगे और पूरे में थोड़े थोड़े स्पेस छोड़ के रैप कर लेंगे, जिससे जब इसके बाद हम इसको रैप करेंगे फाइनली तो लुक अच्छा आएगा। अदरवाइज ऐसे ही डायरेक्ट रैप करना स्टार्ट करेंगे तो रैप करने में भी इजी नहीं होगा और हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए बस अब यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने दूसरी कॉर्ड्स का यूज़ किया है। वो कॉर्ड्स का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे की जो मैं ब्रांच हमारी ऊपर की ब्रांच बन गई है, नीचे स्टेम बन रही है एक तरह से ये, तो जो स्टेम बना रहे हैं उसको थोड़ी थिकनेस देनी है हमें, ब्रांच से ज़्यादा थिक करना है, इसलिए थोड़े से कॉर्ड्स और इसमें यहाँ अटैच करेंगे। इसके साथ में थोड़ी थोड़ी वूल देखिए कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस और इसको भी इसमें बांध देंगे, जिससे अगर हम जब ऐसे ही रैप करते ब्राउन वाली वूल को तो हमें एक जगह पे ही कई बार राउंड राउंड रैप करना पड़ता, लेकिन अब क्या होगा अब हमें ज़्यादा बार रैप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जो स्पेस होगा वो ये कॉर्ड हमारी ले लेंगे। और अगर आपके पास कॉर्ड नहीं है तो इसकी जगह पे आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को गोल गोल घुमा के उसको रख दीजिए। अदरवाइज़ आप वूल का यूज़ कर सकते हैं, पहले भी जहाँ मैंने कॉर्ड का यूज़ किया है वहाँ पे भी आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे वूल की हेल्प से पूरे में यह थोड़ी थोड़ी दूर पे इससे एक फिनिशिंग आ गई है। अब हम फाइनली देखिए इसको रैप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे, दो नॉट बनाएंगे ताकि ये खुले ना। नॉट बनाने के बाद में एक बार फिर इसी वूल से स्टार्ट पहले हमें वहाँ से करना है जहाँ से ऊपर हमारा ब्राउन वाला था ना पहले जॉइंट, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। और इसको देखिए पहले एक बार रफली फिर से पूरे पे रैप कर ले रहे। पहले हमने नॉट बनाई थी छोटे छोटे वूल से कटिंग करके, लेकिन इस बार पूरा ही रैप कर ले रहे हैं, इससे और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी और ऊपर से देखने में एकदम इवन लगेगा। देखिए पूरा हमने ऐसे रफली रैप कर लिया, अब हम स्टार्टिंग से इसको फिनिशिंग से रैप करना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा एक बार रैप नहीं करेंगे, उसको दो तीन बार एक जगह पे रैप करेंगे ताकि थोड़ी थिकनेस आए। और कहीं पे जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ पे मैं रैप कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ा सा पतला है, तो ऊपर के साइड मैंने थोड़ा ज़्यादा रैप किया है, अब उतना कंप्लीट होने गया। देखिए ऊपर कंप्लीट हो गया, अब नीचे के साइड रैप करेंगे और नीचे के साइड अब जो एकदम सेंटर नीचे का आएगा वहाँ थोड़ा और ज़्यादा मोटा किया है मैंने, देखिए और ज़्यादा उसको रैप किया है यहाँ पे, तो उससे लुक थोड़ा अच्छा आएगा। और इसको आप सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वायर लगी है, तो आप कैसे भी चाहें इसको भी मोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए बचे हुए पोर्शन को रैप कर देंगे और ये रैप हो गया पूरा। तो देखिए अब भी कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखिए बस हो गया, अब बस इसको हम कई बार इसको 5 times मैंने नॉट बनाई है, इसको फिक्स किया है ताकि ये बिल्कुल भी ना कि खुले ग्लू गन की हेल्प से।
आप इसको पीछे थोड़ा अगर लगा देंगे वहाँ पे ग्लू गन तो भी यहाँ वहाँ पे फिक्स हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया है क्योंकि 5 times कर दिया था, वो इनफ है। अब देखिए मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग खोल दिया है, सबको कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही आप इसको ऊपर नीचे की फ्लावर्स को कर सकते हैं। अब इसको हैंग करने के लिए एक निडल में मैंने पतला सा वूल डाला है और थोड़े लाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि जब ये हैंग करें इसको तो ये दिखाई ना दे कि हमने किसी चीज़ से इसको हैंग किया भी है, तो वो और अच्छा लगेगा। अब देखिए दूसरे साइड से बस थोड़ा सा डाला और पास करेंगे इसको, और उसके बाद बस देखिए बीच से निकाल लिया। और इसका ज़्यादा वेट तो है नहीं, तो इसको ज़्यादा फंसाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बस इसको कट कर देंगे। आप एक दो बार और इसको वहीं पे फंसा भी सकते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। अब देखिए जो मैं नीचे का पोर्शन बनाऊंगी उसके लिए ये जो मैं आपको वूल दिखा रही हूँ उनका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मैक्रमे कॉर्ड का यूज़ किया है। ये मेरी मैक्रमे कॉर्ड 2 mm की है, तो पहले हम इसकी जो लंबाई है इसको नाप लेंगे कि जो ये वूल हमने ब्राउन वाला स्टार्ट किया था रैप करना उससे थोड़े से ऊपर से दोनों साइड से उतना इसका मेजरमेंट लेके फिर इसको हम ऐसे देखिए रैप करते जा रहे हैं। इसको ऐसे निकाल लेंगे इवन साइज का करते हुए। जो मैंने वूल आपको दिखाए हैं ऊपर आप उन वूल का यूज़ करके भी इनको बना सकते हैं। अब देखिए बस इसको ऐसे लगाएंगे, इसको भी आप ज़्यादा टाइम्स भी कर सकते हैं कम टाइम्स भी कर सकते हैं, बट मैंने 15 times यहाँ पे किया है। और अब कट करने के बाद देखिए इसमें भी सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे, ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखिए नॉट बनाई। अब ये जो कॉर्ड है ये थोड़ी थिक है, इसलिए इस कॉर्ड को बहुत ही अच्छे से हमें इसको रैप करना होगा, क्योंकि अगर इसमें हमने ज़रा सा इसको एक दूसरे के ऊपर किया तो वो देखने में बिल्कुल भी लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आराम से धीमे धीमे एक के बगल में एक कॉर्ड को रैप करेंगे जिससे लुक वाइज अच्छा लगे। तो देखिए हमारा रैप हो गया है। इस कॉर्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से ले भी सकते हैं इसको। अब देखिए हमारा इतना हो गया। अब ऊपर जहाँ से ज्वाइन है वहाँ से सबको कट कर देंगे, पहले इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और फिक्स कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए फिक्स हो गया है। यहाँ पे भी आप किसी और कलर का यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी और कलर की कॉर्ड है या किसी और कलर की आप वूल का यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सॉरी ऊपर जहाँ मैंने 2 colors के पॉम पॉम का यूज़ किया है वहाँ पे आप सिंगल कलर के पॉम पॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए इसको कट कर लिया दोनों साइड से बस। अगर आप इसकी जगह वूल का यूज़ करिएगा तो कट करने के बाद थोड़ा सा कॉम कर दीजिएगा, उससे क्या होगा ये थोड़ा सा खुल जाएगा तो लुक वाइज और अच्छा लगेगा। अब देखिए इसको इवन कर लेंगे सीजर की हेल्प से थोड़ा सा कट करके। और आप तो जानते हैं कि मैक्रमे कॉर्ड्स जो होती हैं अगर आप कॉटन की कॉर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें खोलना बहुत ही इजी होता है, तो मैं इसे खोल दूंगी थोड़ा सा अभी, तो उससे ये और अच्छा लगने लगेगा। और खोलने का सबसे आसान तरीका कि बस देखिए अभी कॉर्ड को खोलना मैं आपको बताती हूँ कि बस इस कॉर्ड को लिया अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाया और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के बाद देखिए अलग हो गया। बस ऐसे ही धीमे धीमे करते हुए हम सारी कॉर्ड्स को खोल लेंगे। और यहाँ मैंने केवल कॉर्ड्स को खोला है, इनको कॉम नहीं किया है। अगर आप खोलने के बाद एक बार कॉम कर देंगे तो और भी अलग अलग एकदम थ्रेड्स दिखाई देंगे इनके, लेकिन मैंने कॉम नहीं किया है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। दोनों साइड से खोलने के बाद में
अब इनको हम थोड़ा सा इवन भी कर लेंगे, एक साइड का छोटा है और एक साइड के थोड़े बड़े हैं, तो इनको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, वूलन से मैं आपके साथ पहले भी कई प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने पहले एक ट्री ऑफ लाइफ शेयर किया था आपके साथ, थोड़ा उसी पैटर्न पे बेस है ये भी, और नीचे से इसको पकड़ेंगे जब इतना स्ट्रॉन्ग है ये भी, जैसे ट्री ऑफ लाइफ को अगर आप बीच से पकड़ेंगे तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप देखिए, बस ग्लू गन की हेल्प से इसको यहाँ पे हम चिपका देंगे, और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी वायर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पहले ही हम इतनी वायर का यूज़ कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी वहाँ पे देखिए मोल्ड हो गई है, तो हमें यहाँ वायर का यूज़ करना नहीं है। बस उसके ऊपर हमको ऐसे इसको चिपकाते जाना है धीमे धीमे। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप यहाँ थ्रेड की हेल्प से इसको स्टिच भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पुश कर देंगे, थोड़ी देर पकड़े रहेंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। साइड में भी थोड़ा सा हम लगा देंगे ग्लू, और बस ये अब हमारा रेडी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।